भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक नौसेना लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर नए नौसैनिक बेस INS जटायु की कमिशनिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दुश्मनों पर रहेगी नजर। एक अधिकारी का कहना है कि इससे विरोधियों की मिलिट्री और कमर्शियल एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए नौसेना की स्थिति मजबूत होगी। बताया जा रहा है कि मालदीव के द्वीपों से लगभग 50 मील दूर है। ये भी बताया जा रहा है कि अंडमान द्वीप के बेस INS बाज की तरह होगा, जो कि अरेबियन सी में है। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि भारत हिंद महासागर में तेजी से बढ़ती चीनी नौसेना और उनके समर्थकों की चुनौती का मुकाबला करते हुए मैरीटाइम ट्रेड रूट की रक्षा कर सकता है। इंडियन नेवी पहली बार लक्षद्वीप के इलाके में ट्विन कैरियर ऑपरेशंस का प्रदर्शन करेगी। माना जा रहा है कि इस कदम से पाकिस्तान और चीन के साथ साथ सोमालिया के समुद्री लुटेरों पर भी नजर रखी जा सकेगी। समुद्र के रास्ते दुश्मनों ने अगर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो भारत उन्हें छठी का दूध याद दिलाने से पीछे नहीं हटेगा। बताया जा रहा है कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के साथ लगभग 15 युद्धपोत होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना बेस INS जटायु का उद्घाटन करने के लिए नौसेना के अधिकारियों के साथ मिनिकॉय आइलैंड की यात्रा करेंगे। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनिकॉय पर एयर स्ट्रिप भी बनाई जा सकती है। इस साल की शुरुआत में पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था, जिसके बाद लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड में मिलिट्री बेस बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। लक्षद्वीप के अगाती की एयर स्ट्रिप को भी अपग्रेड किया जा सकता है। पिछले कुछ समय में लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव का मुद्दा बहुत गर्माया था, जिसके बाद से लोगों ने भी भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित इस द्वीप समूह का इतिहास खंगालना शुरू कर दिया था। यहां जाने के लिए जरूरी परमिट से लेकर यहां के होटल प्राइस, फ्लाइट टिकट कॉस्ट समेत कई चीजें लोगों ने सर्च की थी। बढ़ेगी नौसेना की ताकत। बहरहाल नौसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। नौसेना अपनी एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमताओं को बढ़ाते हुए अगले हफ्ते कोची में मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो को औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल करेगी। ये मल्टी रोल चॉपर USA गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत लिया गया है। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 6 मार्च को INS गरुड़ में नए शामिल किए गए MH-60R सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का कमीशन करेंगे। कैप्टन एम अभिषेक राम ने PTI को बताया कि MH-60R के साथ पनडुब्बी रोधी क्षमता और हेलीकॉप्टर की स्थिरता हमारे निगरानी करने के तरीके को बदल देगी और ये हमें एक बड़ा सर्विलांस बबल देगी। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहें News18 India Originals के साथ।